बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शागे बीटीसी चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स। जी हाँ, आप इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं और ये हमारी स्किन पर आखिर क्यों आते हैं, अगर आ भी जाए तो हम इनको कैसे प्रॉपर ट्रीट कर सकते हैं। तो जी, आज का हमारा टॉपिक यही है। इंशाल्लाह आपको इन फ्यूचर में ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के बारे में बिल्कुल डिटेल से पता होगा और आप इनका ट्रीटमेंट भी घर पर कर सकेंगे। तो जी चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं आखिर इनका ट्रीटमेंट और इनका इलाज। शुरू करने से अगर आप लोगों ने तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। इस वक्त आपके सपोर्ट की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलते हैं वीडियो शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, हमें ब्लैक हेड्स वगैरह आखिर क्यों होते हैं? अगर आप लोग अपनी स्किन का प्रॉपर ख्याल नहीं रखते, क्लींजिंग वगैरह नहीं करते, स्क्रब वगैरह नहीं करते, तो उस वजह से हमें ब्लैक हेड्स वगैरह हो सकते हैं। आपका फेस कितना भी वाइट क्यों ना हो, गोरा चिट्टा क्यों ना हो, अगर आप लोगों के फेस पर वाइट हेड्स हैं या ब्लैक हेड्स हैं तो यकीन मानिएगा वो बहुत ही बदनुमा लगता है, कहीं कहीं पर डॉट्स वगैरह होते हैं। तो जी मैं आज आपको इसी वीडियो में बताऊँगा कि आप घर बैठे इन चीज़ों को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो जी हमें एक ऐसा फेस वॉश चाहिए जो हमारे ब्लैक हेड्स को और व्हाइट हेड्स को ट्रीट करता हो। जी हाँ, तो जी मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं पॉन्ड्स का प्योर डिटॉक्स। जी हाँ, ये मेंस के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है। तो जी इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो इसमें शामिल है लिकोरिश एसिड एंड सिट्रिक एसिड। जी हाँ, ये हमारे ब्लैक हेड्स को और व्हाइट हेड्स को रिमूव करने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। जी अगर आपके फेस पर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, तो जी यकीन मानिएगा इस फेस को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके फेस पर कुछ ज़्यादा ही ब्लैक हेड्स है तो जी इसके साथ में आपको बताता चलूँगे, यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं ब्लैक हेड्स चारकोल। जी हाँ, ब्लैक हेड्स ये हमारे ब्लैक हेड्स को भी रिमूव करेगा और हमारे व्हाइट हेड्स को रिमूव कर देगा। आप यहाँ पे डॉक्टर अशील की जगह किसी भी कंपनी का यहाँ पर ब्लैक मार्क्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ब्लैक मार्क्स अवेलेबल नहीं है तो जी आप यहाँ पर गोल्ड मार्क्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जी इनके अलावा एक टूल भी मिलता है व्हाइट हेड्स को रिमूव करने का और ब्लैक हेड्स को रिमूव करने का। तो जी ये टूल ये है, आप लोग देख लें। अगर आप प्रोफेशन हैं ब्लैक हेड्स को निकालने में, व्हाइट हेड्स को निकालने में, तभी इसको इस्तेमाल कीजिएगा, वरना आप इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं अपने सनग्लासेस को कर दूंगा रिमूव, उसके बाद मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा पॉन्ड्स का प्योर डिटॉक्स। आप लोग देख सकते हैं, तो जी मैं यहाँ पर लेता हूँ बिल्कुल इतनी सी क्वांटिटी, आप अपने फेस के मुताबिक ही लीजिएगा। तो जी ये देखें इतनी सी क्वांटिटी। आपको पता ही होगा कि हमारे ज़्यादातर ब्लैक हेड्स हमें नोज़ की तरफ और हमारे फोरहेड की तरफ और हमारे नीचे की तरफ ही होते हैं। अगर आप लोगों के फोरहेड्स वगैरह पे है, नोज़ वगैरह पे है या चिन वगैरह पे है, तो जी आप बिल्कुल ऐसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो जी देख ले, हमने अपने फेस वॉश को अपने नोज़ पर अप्लाई कर लिया है। आप ये पूरे फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ डेमो दिखाने के लिए अपने नोज़ पर अप्लाई कर रहा हूँ। तो जी अब हम कर देंगे इसको रिमूव। तो जी आप लोग देख लें, मैंने कर दिया है इसको रिमूव। तो जी अब हम करते हैं अपना टूल इस्तेमाल जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालेगा। तो जी आप लोग देख लें, तो जी मैं यहाँ पे निकालने लगा हूँ। तो जी अगर आपको नज़र आ रहे हो तो जी आप लोग देख सकते हैं। तो जी ये देखें, तो जी आप लोग देख सकते हैं कि इस टूल ने हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को निकाल दिया है। अब मैं करूंगा इसको भी रिमूव। जी ब्लैक हेड्स के और वाइट हेड्स के जो पोर्स होते हैं वो हो गए हैं ओपन। तो जी अब हम करेंगे इनको श्रिंक। तो जी उसके लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा क्रिस्टाइन का वाइट ग्लो टोनर। जी हाँ, ये ज़बरदस्त टोनर है। अगर आप अपने फेस पर चाहते हैं कि आपको इंस्टेंट ग्लो मिले, जी हाँ, बिना कुछ किए आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करिए, ये आपको 100% ग्लो देगा। तो जी मैं इसको अपने फेस के मुताबिक थोड़ी सी अमाउंट ले लूँगा, आप लोग देख लें। तो जी इतना सा इनफ है। तो जी हमारे ओपन पोर्स को ब्लॉक कर देगा, जिस वजह से हमें दोबारा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स नहीं होंगे। तो जी आप लोग देख सकते हैं, मैंने कर लिया है अपने फेस पर अप्लाई। तो जी अब हमारा यहाँ पर ट्रीटमेंट हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। तो जी आप मेरे नोज़ को अब देख सकते हैं। तो जी देखें,
बिल्कुल क्लीन हो गया है इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। ये तो यकीन कीजिएगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप भी घर पर अपने ब्लैक हेड्स को और व्हाइट हेड्स को रिमूव कर सकते हैं। जी अगर आप लोगों को ये ब्लैक हेड्स टूल दिक्कत देता है तो जी आप इसकी जगह चारकोल मास्क को भी यूज कर सकते हैं और गोल्डन मास्क को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों ही चीज यूज नहीं करना चाहते तो जी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा नोज स्ट्रिप मिलती है। जी हाँ नोज स्ट्रिप मिलती है, वो हमारे ब्लैक हेड्स को भी और व्हाइट हेड्स को भी निकाल देगी। तो जी यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा, आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगर आप होम रेमेडी पर भी यकीन करते हैं तो जी सिर्फ थोड़ा सा मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा आप लें और अपने नोज एरिया पर लगा लें जहां पे आपको ब्लैक हेड्स वगैरह हैं और वहां पर हल्के हल्के हाथों से मसाज करें, इंशाल्लाह आपको उससे भी 100% रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो ब्लैक हेड्स के ऊपर, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज को लाइक कीजिएगा। तो जी मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।